राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि जनता जनार्दन के आशीर्वाद से भाजपा को प्रचंड जीत मिली है। ये जीत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह के कुशल मार्गदर्शन की जीत है। देश के 3 हिंदी भाषी राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा को मिली प्रचंड जीत पीएम मोदी की गारंटियों का प्रभाव है। पीएम मोदी की इन्हीं गारंटियों ने कांग्रेस की हवा निकाल दी। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह, चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने परिश्रम की पराकाष्ठा की है। वहीं सभी प्रदेश पदाधिकारियों और चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्यों ने भी जमकर मेहनत की है। भाजपा के सभी कार्यकर्ता, मीडिया, सोशल मीडिया और आईटी टीम ने भी सक्रिय रूप से चुनाव में काम किया और सुबह 4 बजे भी इन लोगों को फोन किया तो ये लोग सक्रिय मिले। हमारी सरकार राजस्थान के खोए हुए वैभव को लौटाने की दिशा में काम करेगी और हम पुनः राजस्थान को विकास के पथ पर लेकर। नेतृत्व में हम चांद पे तिरंगा पहुंचा है और राजस्थान के गरीब किसान, महिला, युवा, दलित, आदिवासी हर वर्ग ने उनके ऊपर विश्वास, अटूट विश्वास करके और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके एक प्रचंड बहुमत की सरकार राजस्थान में दी। मैं सबका विशेष रूप से आभार प्रकट करते हुए राजस्थान की जनता जनार्दन, जिनका भरपूर स्नेह, समर्थन, आशीर्वाद मिला, उन सबको वंदन अभिनंदन करते हुए और आपका भी सभी मित्रों का, जिनका इस पूरे चुनाव के दौरान आप सबका खूब सहयोग मिला, आपका भी मैं हृदय की गहराई से एक पार्टी परिवार का कार्यकर्ता होने के नाते इस विशाल भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से आपका भी हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री गांव गरीब किसान के बसिया माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने राजस्थान का चुनाव लड़ा। राजस्थान की जनता ने भरपूर समर्थन, कार्यकर्ताओं ने अथक प्रयत्न किया। हम प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने 5 साल लगातार परिश्रम किया, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हैं और राजस्थान की जनता का आभार व्यक्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री जी की जब राजस्थान में सभाएं हो रही थी, जिस प्रकार से राजस्थान में जन सैलाब प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आ रहा था, अभिनंदन करने के लिए आ रहा था, तभी से स्पष्ट था कि राजस्थान में पूर्व बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनना है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब यहाँ पे चौगुना विकास होगा, राजस्थान तेज गति से आगे बढ़ेगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के उनके कुशल नेतृत्व, जो उन्होंने समय समय पर राजस्थान को, कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने समय समय पर राजस्थान की टीम को बुला करके बात करना, मार्गदर्शन देना, सभाएं करना, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। सभी केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं और सभी भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान की टीम का अभिनंदन करते हैं। बहुत आज अच्छा दिन है, शुभ दिन है और आज जहाँ एक हो मध्य प्रदेश में भी क्लीन स्वीप हुआ, छत्तीसगढ़ भी क्लीन स्वीप हुआ, इन सभी राज्यों में आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जबरदस्त विजय हासिल हुई है। आगे आने वाले समय में लोकसभा में भी 2024 में होगा, राजस्थान में 25 से 25% भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और